नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत की जमीन पर, बिजली पर, पानी पर, यहां की सड़कों पर, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? भारतीयों का या बाहर से आए लोगों का? क्या आप अपने हिस्से की जमीन, पानी, सड़क और नौकरी को बाहर से आए लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? या यूं कह लीजिए कि क्या भारत के पास इतने संसाधन मौजूद हैं कि वो अपनी विशाल जनसंख्या के साथ साथ शरणार्थियों और घुसपैठियों की डिमांड भी पूरी कर सके? ये सवाल भारत की राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रेंड कर रहे हैं। आज भारत सरकार ने एक हलफनामे के जरिए भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री के सभी दरवाजे बंद करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आज रोहिंग्या लोगों को शरण देने के मांग के खिलाफ एक हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों को एक खास विचारधारा का वोट बैंक बनाने के लिए कुछ नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। मानव अधिकारों के सीमेंट से इन लोगों के लिए पक्के घर बनाने की योजना बन रही थी, लेकिन सरकार ने आज साफ कर दिया कि भारत के लोगों का हक मारकर किसी और को नहीं दिया जा सकता और जिन लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक हो उन्हें शरणार्थी बनाना देश हित में नहीं है। कुछ लोगों के इरादे फौलाद से बने होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा सीखना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान भी करना चाहिए। आज मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह की अंतिम विदाई का दिन था। आज उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय वायुसेना ने उनके शौर्य को याद करने के लिए सुखोई लड़ाकू विमानों से मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाया। हवा में बनने वाले इस फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है ये आज हम आपको बताएंगे और इसके अलावा हमने अर्जन सिंह की जिंदगी का एक वीडियो एल्बम भी आपके लिए तैयार किया है जो आपके परिवार में हर उम्र के व्यक्ति को देखना चाहिए। जीरो के बारे में तो आप सबको पता होगा। जीरो का इस्तेमाल गणित में किया जाता है और कई बार किसी नाकाबिल व्यक्ति को भी जीरो कह दिया जाता है, लेकिन जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। भारत की आलोचना करने वाले और भारत की तारीफ करने वाले अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया में भारत का योगदान जीरो है। आप सोच रहे होंगे कि आलोचना तो ठीक है, लेकिन तारीफ के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? शून्य को भारत की सबसे बड़ी खोज कहा जाता है और अब दुनिया को शून्य की सही उम्र का पता चल गया है। ग्वालियर के एक किले में मौजूद शिलालेख और पाकिस्तान के पेशावर से मिली एक पांडुलिपि की मदद से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कुछ नई जानकारियां दुनिया के सामने रखी हैं। ये विज्ञान और गणित की महान क्रांति का दस्तावेज है जिसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए। ये खबर देखकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत में रोहिंग्या न सिर्फ अवैध हैं बल्कि देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है, ये बात आज केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि कुछ अवैध रोहिंग्या का पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध है। कई रोहिंग्या आईएसआई, आईएसआईएस और अन्य चरमपंथी गुटों के साथ मिले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बेनापोल, हरिदासपुर और हिल्ली, त्रिपुरा के सोनामोरा और असम में गुवाहाटी से संगठित गिरोह अवैध रोहिंग्या को भारत में बसा रहे हैं। जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, मेवात में आतंकी रोहिंग्या सक्रिय हैं। होम मिनिस्ट्री को जो भी एफिडेविट फाइल करनी थी वह एफिडेविट के बारे में आप सबको जानकारी है। अब जो भी फैसला होना है वह कोर्ट के द्वारा फैसला होना है। मैं समझता हूँ कि हम सबको कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि भारत में रहने का अधिकार नागरिकों का है, न कि घुसपैठियों का। सरकार ने साफ किया कि रोहिंग्या को शरण देने के लिए भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं की है। 3 अक्टूबर को रोहिंग्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। अवैध रोहिंग्या को सरकार ने देश के लिए खतरा बताया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर उन्हें वापस न भेजने की पैरवी की है। ममता ने कहा कि हर रोहिंग्या आतंकवादी नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी और आतंकवादी में फर्क किया जाए। The system, what we say, that we should not compromise our humanity with anything else. AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने भी दावा किया है कि अभी तक किसी रोहिंग्या का आतंकी संगठनों से संबंध उजागर नहीं हुआ है। कितने रोहिंग्या को टेररिज्म के केस में पकड़ा गया, उनके नाम पेश कर दीजिए। कितने रोहिंग्या को आईसिस कनेक्शन में पकड़ा गया, उनके नाम पेश कर दीजिए। हालांकि बांग्लादेश भी रोहिंग्या को अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। For Bangladesh, it is obviously a security threat. We have had incidences in the past,
So that's why we are very mindful of that, and we are registering the Rohingya population, as you know, for the first time. And the work has begun about a week ago. दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध अलकायदा आतंकी शोमुन हक म्यांमार में रोहिंग्याओं के लिए लड़ने जाने वाला था, ये दावा है दिल्ली पुलिस का। पुलिस के मुताबिक शोमुन हक के पास म्यांमार की सेना के खिलाफ जिहाद करने की जिम्मेदारी थी। शोमुन हक के पास मणिपुर और मिजोरम में अलकायदा के लिए आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी थी। 2013 से अलकायदा से एसोसिएटेड है। 2014 में ये बांग्लादेश आया। बांग्लादेश आने का इसका पर्पस था कि बांग्लादेश में रिक्रूटमेंट बेस सेटअप करना, रिक्रूट करना। इंडिया में भी इसके टच में कई लोग हैं जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। कल दिल्ली के शकरपुर से पकड़े गए शोमुन हक के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया। शोमुन हक ब्रिटिश नागरिक है और मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। बांग्लादेश की जेल से जमानत पर छूटने के बाद शोमुन हक भारत आया था और वो पिछले 4 साल से अलकायदा से जुड़ा है। 2002 के नरोदा गम हिंसा केस में गवाही देने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अहमदाबाद की एसआईटी कोर्ट पहुंचे। अमित शाह ने गवाही दी कि नरोदा गांव में हिंसा वाले दिन 28 फरवरी 2002 को सुबह माया कोडनानी उनके साथ विधानसभा में मौजूद थी, जहां गोधरा ट्रेन कांड के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। शाह ने कहा कि इसके बाद वो 16 सिविल अस्पताल गए और माया कोडनानी वहां भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2002 के दिन मायाबेन कोडनानी विधानसभा में हाजिर थी और सुबह 8:30 से जब तक विधानसभा चालू रही तब तक वो विधानसभा के अंदर थी। उसके बाद वो खुद 16 हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने माया बेन को देखा। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी नरोदा गांव हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने उनकी गवाही पर अमित शाह को गवाही देने के लिए समन किया था। नरोदा गांव की हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। नरोदा पाटिया हिंसा में माया कोडनानी को अदालत 28 साल की सजा सुना चुकी है। बीमारी की वजह से कोडनानी इस वक्त जमानत पर हैं। शिवसेना ने पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के मुद्दे पर आज केंद्र छोड़ने की धमकी दे दी। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी की बैठक की, जिसके बाद शिवसेना ने कहा कि अच्छे दिन के नारे की रोज हत्या हो रही है। पार्टी जल्द फैसला लेगी कि सरकार में रहना है या नहीं। बेहताशा महंगाई बढ़ गई है, लोगों की जो भावना है, जो विधायक जो सांसदों की जो भावना है, क्या हमें सरकार में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में चर्चा हुई। मैं इतना ही कहूंगा, हम निर्णय के बहुत करीब आ चुके हैं। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज फिर कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पेट्रोल एंड डीजल शुड कम अंडर जीएसटी इन दैट वे दैट इन्फर्मिटी ऑफ टैक्स जीएसटी कवर्स द इन्फर्मिटी वेदर इट इज एसजीएसटी और वेदर इट इज सीजीएसटी। पेट्रोल के मुद्दे पर आज सड़क पर भी टकराव दिखा। भुवनेश्वर में रैली निकाल रहे बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यकर्ताओं से तीखी झड़प हो गई। कांग्रेस ने भी कई शहरों में प्रदर्शन किए। तमिलनाडु की सियासत में टीटीवी दिनाकरन को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। विधानसभा स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत दिनाकरन के समर्थन में 18 एआईडीएम के विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी है। दिनाकरन ने कहा है कि फैसले को चुनौती देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि दिनाकरन कोर्ट जाएंगे, जरूर जीतेंगे। इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, ये किस कानून के आधार पर? विधि जो है उसमें तो साफ है कि एक अपराध होना चाहिए। यहाँ कौन से अपराध इन लोगों ने प्रयास की करने के लिए? स्वामी ने कल ही दिनाकरन और डीएमके को मिलकर सरकार बनाने का फॉर्मूला दिया था। 18 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद तमिलनाडु विधानसभा में 216 विधायक रह गए हैं। पलनीसामी खेमे का दावा है कि उनके पास नई बहुमत संख्या 109 से 5 विधायक ज्यादा है। मद्रास हाईकोर्ट ने बहुमत परीक्षण पर 20 सितंबर तक रोक लगा रखी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित मददगार के टॉर्चर के वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक युवक को धमकाया जा रहा है। वीडियो में इस युवक से ये कबूल करने को कहा जा रहा है कि वो सेना का मुखबिर है। वीडियो कब का है इसके बारे में कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक की हत्या की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। उसकी तफ्तीश चल रही है, देखेंगे कितनी उसकी सच्चाई है। गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में हरियाणा पुलिस ने 43 मोस्ट वांटेड डेरा समर्थकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में पहला नाम राम रहीम की करीबी हनीप्रीत का है, जबकि दूसरा नाम डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता आदित्य इंसान का है।
दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज है। 43 मोस्ट वांटेड डेरा समर्थकों की ये लिस्ट हिंसा के दौरान सामने आई तस्वीरों की मदद से तैयार की गई है। एक हमने 43 आदमी की लिस्ट भी आज एक वेबसाइट पर डाली है, जो कि जो 25 तारीख को जो यहाँ पे उत्पात मचाया, दंगे में शामिल हुए, पब्लिक से ये अनुरोध भी है, अगर वो किसी को पहचानते हैं तो हमें बताएं, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। डेरा हिंसा के मामले में SIT ने आज डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना इंसा से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक विपासना ने हनीप्रीत के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। हरियाणा में गुरुग्राम के रैन इंटरनेशनल स्कूल को प्रशासन ने अगले 4 दिन के लिए और बंद करने का आदेश दिया है। सुरक्षा इंतजामों पर अभिभावकों के साथ आज गुरुग्राम के DC की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वैसे के वैसे ही है, कुछ भी नजर नहीं आया अलग सा, बिल्कुल वैसे ही, बस मेट्स वगैरह का इंटरव्यू वगैरह हुआ है, वो चीज उस बेस पे तो नहीं भेज सकते ना हम बच्चों को। 7 साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के करीब 10 दिन बाद आज स्कूल खुला था, लेकिन छात्रों की संख्या बेहद कम रही। क्लास के बच्चों ने बताया कि आज पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई। मुझे स्कूल जाने से डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए। आज जब आप स्कूल में आए, उस क्लास में गए, तो बहुत डर लग रहा था? क्लास लेकिन अभी चेंज हो गई है, वो क्लास बंद थी तो ऊपर वाली क्लास में थे। कई अभिभावक आज अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटाने के लिए भी पहुंचे। वहीं मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी कंडक्टर अशोक के साथ ही रायन स्कूल के रीजनल हेड और HR हेड को आज गुरुग्राम के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह का आज दिल्ली के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया गया। वायुसेना के इस योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, BJP नेता लालकृष्ण आडवाणी के अलावा वायुसेना नौसेना प्रमुख भी पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले अर्जन सिंह को 17 तोपों और फ्लाई पास्ट से सलामी दी गई। मार्शल अर्जन सिंह का 98 साल की उम्र में शनिवार रात दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल मिलिट्री अस्पताल में निधन हो गया था। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। अर्जन सिंह 5-स्टार रैंक हासिल करने वाले इंडियन एयरफोर्स के एक लौते ऑफिसर थे।